अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करता चलूं। पहले नंबर पर तो क्रिस गेल ने न्यूजीलैंड के मुंह पर तमाचे मारे। तमाचों से मुराद उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। और दूसरे नंबर पर फाफ डुप्लेसी भी आ रहे हैं, आज वो भी पाकिस्तान पहुँच जाएंगे इसी हवाले के साथ। जी हाँ व्यूअर्स, मैं आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करता चलूँ। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की नई वीडियो से आप रहें बाखबर। और तमाम दुनिया के प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, खास करके वो जो PSL में हिस्सा लेते हैं वो भी आ रहे हैं, और दूसरे नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो एक सेफ मुल्क है। और तमाम गैर मुल्की प्लेयरों ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से तो नंबर वन है, और इनकी खुफिया एजेंसियाँ भी नंबर वन है पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों से। उन्होंने कहा कि हमें तो कोई पाकिस्तान में दिक्कत नहीं होती, वो तो ऐसा समझते हैं कि हम अपने घरों में रह रहे हैं।